चलो, जल्दी उतरो, चलो जल्दी उतरो, लाइन में रहो। चोर, अंदर जा, आज मौसम बहुत बढ़िया है ना दोस्त। सही कहा। चलो, चलो, चलो अंदर। मुझे माफ कर दो, हमारी गलतियों का पश्चाताप तुम्हें करना पड़ा। दुआ है तुम सब कामयाब रहो, बड़े होकर कोरिया के लिए लड़ना। हम आपको लेने वापस आएंगे, वादा है हमारा। मैं बूढ़ा हो गया हूं बच्चों, तो मेरी फिक्र मत करो, अपनी जिंदगी मुकम्मल करो। वक्त हो गया है, अब चलो यहां से। आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मैं तुम्हारे साथ आया तो यून का ख्याल कौन रखेगा? लगता है मौसम भी तुम्हारे साथ है। वक्त हो गया है, चलो जल्दी जल्दी जाओ, ध्यान रखना। रास्ते में तुम में से कोई भी मारा जाता है तो उसे छोड़ दो, वरना सभी मारे जाएंगे। नून तक पहुंचने तक केवल अपने बारे में सोचो, वहां छुपो एक दिन आराम करने के लिए और फिर नागासाकी के लिए निकल जाना। बहुत से लोग नागासाकी में भी पकड़े जाते हैं। जब तक कोरिया न पहुंच जाओ कहीं भी ज्यादा रुकना नहीं, जिंदा रहना। हम एक बेहतर दुनिया में मिलेंगे। इन बच्चों को बचा ले क्या?
बचाना क्यों है यार? बता देंगे कि ये हमें डूबते हुए ही मिले थे। इन दोनों का इनाम भी मिलेगा और तारीफ भी। तारो जान। चश्मोद्दीन इतने उदास क्यों हो? पानी के साथ थोड़ी शराब भी पी लो। हाँ, मुझे फंसाया गया है, मुझे परेशान मत कीजिए। परेशान क्यों? और फंसाया किसने बताओ तो? देखो, चश्मा पहन के ज्यादा साफ साफ मत देखो। सच है कि देश के लिए शहीद हो जाना ही बहादुरी है। तो आप अपने बेटे से बहादुरी क्यों नहीं करवाती? मेरे बेटे को ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है। अगर वो ठीक होता तो वो तुम्हारी तरह देश की सेवा करता और कुछ पैसे भी कमाता और दुनिया में अमन चैन और शांति फैलाता। कितना बोरिंग म्यूजिक बज रहा है। पकड़ो इसे। मिस्टर ली, मेरा लहंगा। पूरी रात इतना बोरिंग गाना बजाओगे क्या? हम अपने लड़कों को जंग में भेज रहे हैं, उन्हें दुखी मत करो। कुछ जैज म्यूजिक बजा दो ना प्लीज। क्या आपको मालूम है ना, जैज बजाना मना है। मुझे जेल भेजना चाहती है क्या? कुछ भी, तुम्हें कौन जेल भेजेगा? हाँ, यहाँ सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं और उनकी बहुत ऊपर ऊपर तक पहुँच है, इसीलिए थोड़े मस्ती वाले सुर भर दो ना। बोलो ना, मस्ती के सुर चाहिए तो उसकी मस्ती भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मस्ती पसंद है। वाला कहाँ है? ओ, हाँ, वो स्टेज पर है सर। अगर उसे जेल में नहीं रहना है तो उसे कहो मुझे आके मिले। क्या हुआ सर, फिर से कोई लफड़ा किया क्या उसने? लफड़ा नहीं, कांड किया है। सेक्शन चीफ की बीवी के साथ मजे कर रहा था वो। एक मिनट, ली। ये सब ताली बजाओ। अरे ताली नहीं, बाहर आ जाओ। जोर से बजाओ, बाहर में जाओ। प्लीज वो देखो। ये मेरी बीवी कहाँ है? जाओ ढूंढ करवाओ उसे, जाओ। खड़े हो जाओ ना, गुलाटी मार बेटा। अरे मार ना। निकल। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी जिंदगी के साथ घास चरने गई है। भाई मैं क्या करूं, अगर सेक्शन चीफ की बीवी को मेरा म्यूजिक पसंद है, बदले में वो खाना देती है, अन्न देवता को कैसे मना करूं? वैसे भी हमने कोई मटर गश्ती नहीं की है भाई, उसके घर का मटर खाया है बस। तुम कौन से मटर खाते हो ना, मुझे अच्छे से पता है। सोचो सोही का क्या हुआ, मेरे को कोई गिरफ्तार तो करे। पहली बात तो तुमको लगता है कि तुमने चीफ की बीवी के साथ जो किया उससे तुम बच जाओगे, और आज वहां तुम जैज बजा रहे थे। वो सब छोड़ो, माल लाए हो? लो भाई,
तुम्हें मिलाकर 9 म्यूजिशियंस होते हैं, और अगर तुम्हारी बेटी को गिनूं तो पूरे 10 हो जाते हैं। अब बताओ इसमें मेरे और मेरे साथियों के लिए क्या बचेगा? हाँ, मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है सुगियामा भाई, अपन तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। देखो, तुम और तुम्हारे साथियों के लिए मैंने एक बंदोबस्त किया है। मैंने एक जापानीज फैक्ट्री में उनके लिए बात कर रखी है। अपने साथियों को समझाओ, ठीक है? हालात और बातें साफ रहे तो अच्छा होगा। थोड़े और पैसों का इंतजाम करो। वैसे भी तुम ही तो कहते थे ना कि तुम्हें जापान में काम करना है। भाई मैंने सुना है कि फिलीपींस से सेना को हटा लिया गया है। जापान हारने वाला है क्या? तुम अखबार ज्यादा पढ़ते हो दोस्त, सिर्फ झूठी बातें छपती है। और वैसे भी बहुत से अमरीकी कैदी हमारे कब्जे में है। गर्मी शुरू होने से पहले ही जंग खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। गर्मी मुझे भी लग रही है। बेटा कर लिया है तो उठ जाओ ना। माँ कसम बदबू बदबू। तेरी उम्र तो अभी बिस्तर पर सुसू करने की है, तुझे इस चीप पे चढ़ने किसने दिया बता? मैं तो घर जा रहा था, पता नहीं ऑफिसर ने आके कहाँ से मुझे ट्रक में भर दिया और फिर बोला जाओ बेटे पैसे कमाओ। मुझे तो पता नहीं चला कब यहाँ डाल दिया। समझ गया तेरी दुख भरी कहानी, चल। अरे भाई लोग, मेरी तो आज सुहागरात है। क्या शादी खत्म ही हुई थी कि सालों ने यहाँ फेंक दिया? क्या कहा दूल्हे राजा, मुश्किल से जोश चढ़ा था, बीवी का घूंघट भी नहीं उठा पाया। ओ बैटरी भाई, तू कैसे आया इधर? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। वाह क्या बात है, तुम तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो। दिल कर बढ़िया, सैनिक बनने जा रहे हो? अच्छा क्या ये सही है अगर सेना में एक साल काम करो तो घर मिलता है? उसका तो मुझे नहीं पता, पर इन दूध पीते बच्चों को उठाने का क्या मतलब है? इनकी उम्र खेलने की और यहाँ लाकर पटक दिया। वो सूटकेस लाओ रे, कान खोल के सुनो, उतरते ही हम अलग हो जाएंगे, तो सबको हौसला रखने का है। समझ गया। अच्छा तो सब लोग पैसा लाए हो ना? हाँ। निकालो ये रहे। ये देख रहे हो, ये हमारी लाइफ लाइन है। देखो ये लो। सब समझो, ये पैसा गया कि हम खत्म, सब खत्म। आप मुझे बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? अरे खुद देख लेना, दिमाग खाना बंद करो। अबे तेरी तो देखो चल, लोग झगड़ा कर रहे हैं। ये तो फेमस गैंगस्टर है। ये कोरिया वाले लोग बिना मदद करने की जगह लड़ते ही रहते हैं। ये क्या हो रहा है? बहुत हो गया, बस करो। सोही हटो रे। एक और बार लड़ाई की तो गोली चला दूंगा।